गाइस देखो कितना सुंदर सालासर ज्वेलर्स। ओ शाम के 12 मेरे तो मेरे को लगता 12 ही बज चुके हैं। सो गाइस हाँ हमारा मतलब इंस्टाग्राम रील्स बन चुकी है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू ऑल वेल, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस अभी हो गया शाम के 12 मेरे तो मेरे को लगता 12 ही बज चुके हैं। शाम के 12 मेरा दिमाग ठीक नहीं, दिन के 12 बज चुके हैं, एक बजने वाला है। मैं नहा धो के आ गई हूँ, मतलब नहा धो गई हूँ मैं। सो गाइज अभी मैं शिवानी को बुलाया कि मैंने रील्स बनानी है, आ जा। तो जो मेरे कल सूट थे, मेरी सास बेचारी, मेरी सास इतनी अच्छी है, मतलब मेरे को लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरे को इतनी अच्छी सास मिली है। जो बाहर तो कपड़े होते हैं वो तो धोई अलमारी में ऐसे भी निकाल के, जब मैं चंडीगढ़ चले जाते तो सोचते हैं बेचारी के कपड़े, बहू के कपड़े तो अलमारी में ऐसे निकाल के भी धो देते हैं। तो उन्होंने मेरे ड्राई क्लीन वाले कपड़े भी बेचारे ने धो दिए, तो वो इतने श्रिंक हो चुके हैं अब कि उनका कुछ हो भी नहीं सकता। अब मुझे दुख, कल तो मुझे बहुत दुख था, आज कोई बात नहीं। मेरी सास ने बोला कोई बात नहीं और सूट बना लेना, टेंशन मत ले तू। मतलब मेरी सास इतने अच्छे, मतलब मैंने कल सोचा मैं पार्टी रील्स बनाऊंगी, अब जो सिंपल सूट है उसमें रील्स बना लेती हूँ। और आज है फ्राइडे और मेरे हस्बैंड आ जाएंगे आज, उनका सैटरडे संडे ऑफ रहता तो वो हर फ्राइडे मतलब हर फ्राइडे हम मैक्सिमम फ्राइडे हम आ ही जाते हैं। तो मैं तो अभी यही हूँ, तो आज वो आ रहे हैं। सो अभी हम लोग मैं हो जाती हूँ तैयार रील्स के लिए, और फिर आपको मिलती हूँ शाम को क्या अभी मिलती हूँ और आप दिखाऊंगी मैं आज क्या क्या करती हूँ। सो गाइज मेरी बेहद अब ठीक हो ही रही है, सूख रही है, मतलब अभी भी मैं जो उन्होंने दिया है, मतलब जड़ी बूटी तो दी नहीं उन्होंने, राख ही दी है मत्तर के, मंत्र मुंत्र बोल के, तो मैं वो लगाती हूँ तो सूख रहा है अब मेरा थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको आज देखती रहूँगी अपडेट क्या क्या है, आज क्या क्या करूँगी। सो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। सो शिवानी को मैं बुला लेती हूँ। सो आप मेरे पीछे ही दिख रहे हो मेरे बेडरूम में, ये पीछे गिर गई है इसके अंदर, यहाँ पे मैं अपनी शादी का फोटो लगाऊंगी, इसलिए मैंने अभी इसको ऐसे ही रहने दिया है। अब सोनू जी रेडी हो रही है, सूट डाल, हाँ रेड सूट और सदरी और ढांटू है तेरे पास? हाँ काले वाला ही। हाँ हाँ ढांटू ले दो चार यार। हाँ अच्छे अच्छे से ढांटू, ये मैं हूँ। अब रेडी हो जा, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज हाँ हमारा मतलब इंस्टाग्राम रील्स बन चुकी है, और इतनी गर्मी हो गई है, ये ब्लैक पहन के तो बहुत ही गर्मी लगती है। मैंने ब्लैक ढांटू और ब्लैक सदरी डाली है और बहुत ही गर्मी लग रही है मुझे, और मैंने वीडियो बना ली है। और अब मैं चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ शाम के टाइम। अभी वैसे 3 बज चुके हैं पर मैं आपसे मिलती हूँ शाम के टाइम, जब मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे तब मैं आपसे मिलती हूँ। गर्मी लग रही है, सो देखो मेरे बाल देखो कितने चिपके हो रखे हैं, और धोने के लिए बहुत हो रखे हैं हेड वॉश के लिए। सो गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं बैठी हूँ बाहर का थोड़ा आनंद ले रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड भी आने वाले, मेरी सास तो अभी आ गई जस्ट ड्यूटी से, मतलब उनको हो गया आधा घंटा आगे, और अभी बज चुके हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, अब तो 7 बजने वाले हैं, अच्छे 7 बज चुके हैं। सो अभी करते हैं कुछ डिनर विनर की तैयारियाँ। व्यू कितना अच्छा दिख रहा है अभी, बट गर्मी आज बहुत है। और इस वाले घर में रहते हैं शिवानी, और इस वाले में ये डबल ट्रिपल फोर स्टोरी वाले में, जहाँ ये 2-3 टैंकियाँ, यहाँ रहते हैं शिवानी और बंटी भाई, इतने पास रहते हैं मेरे। और यहाँ पे ये मशरूम फैक्ट्री नीचे टीन शेड वाली अब तो बिक चुकी है, और इसके आगे ही है मिशन स्कूल थोड़ा। हस्बैंड आ चुके हैं और ये बंटी भाई के बिना एक कदम नहीं रहते, जैसे आते हैं वैसे बंटी भाई को भी साथ लेके आते हैं। जैसे लुगाई मैं इनकी कम हूँ और बंटी भाई ज़्यादा लुगाई है, और अभी इनका पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने हमने डिनर कर लिया और अभी खा रहे हैं आइसक्रीम, और सारे आइसक्रीम, और मेरी सास धो रही बर्तन। गिफ्ट कौन सा गिफ्ट दो फिर चाहिए?
चाहिए मेरे को गिफ्ट, ये गिफ्ट सब मारूंगी ना पटक के, सब मारूंगी ना दीवार में भिड़ जाओगे। क्या इसमें, मैं देख तो रही थी डिब्बा, क्या ये टूटा हुआ डिब्बा, वाह यार कितना सुंदर है। अंदर से 10 साल तक कोई गिफ्ट नहीं मांगा मैंने, कितने साल तक, 10 साल तक कोई गिफ्ट, 10 साल तक मैं कुछ नहीं मांगा, बकवास नहीं करना, 10 साल की कमाई देगी। हाँ 1 करोड़ का है, हाँ 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ की शक्ल देखी अपनी, 1.5 करोड़ मेरी नहीं है पर तेरी तो है, मेरी नहीं है, 1.5 करोड़ की शक्ल। मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे लिए, ये बहुत ही सुंदर है। सो गाइस देखो कितना सुंदर, सालासर ज्वेलर्स। सो गाइस देखो पहन के कितना अच्छा लग रहा है, और ये इसकी इयररिंग है, बट मुझे इसका ना ये नहीं लग रहा अच्छा, ये वाइट दाने। 2000 years later होगी वहाँ से तैयार फिर से, और अभी जा रहे हैं हम अपनी नंद के घर, वर्षा के घर, उसका क्वार्टर है बातापुल में, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती है, और मेरी सास की ड्यूटी भी हुई है, तो मेरी सास भी हमें वहीं मिलेंगी। तो अभी बच चुका है 1, और वर्षा कब से फ़ोन कर रही है, कब क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं, तो मेरे हस्बैंड गए थे शेविंग शूविंग कराने, तो इनको टाइम लग गया। सो इतनी गर्मी हो रही है ना कसम से, तो अभी हम चलते हैं इतनी गर्मी में, और फिर आपको वहीं मिलते हैं सीधा। हैं अभी इतनी गर्मी में, देखो गर्मी में मेरे हस्बैंड, देखो लागू नमस्ते, ये कौन है यार, ये भी गिरा दे यहाँ पे, चलो यार अंदर, कितना बड़ा है इनका खुलना है, तरबूज भी रास्ते में टूट गए, फूट गए, हम तो गर्मी में मर गए। मैं आ गई हूँ अपने ननद के घर, वर्षा हेलो बोल दो, हेलो और इसने बनाया हमारे लिए राजमा, पहाड़ी राजमा, वाह गर्मा गर्म राजमा खाएंगे। दिखाती मैं इनका क्वार्टर आपको, ये एक रूम ही इधर, बहुत बड़ा क्वार्टर इनका, एक ड्राइंग रूम यहाँ है, एक रूम ये वाला इधर, फिर ये ऐसे बेडरूम ये वाला, फिर इधर लॉन्ड्री एरिया, वॉशरूम वगैरह, और ऐसे ऐसे बहुत ही सुंदर क्वार्टर है। और ये देखो फिर इधर किचन है, और इधर रूम है, बाहर लागू है, आ जा बाल, पेट फट जाएगा, मेरे लिए सलाद दूसरे से दे, मेरे लिए कटोरी दे, बयाले गुलटी खा रहे, गुलटी छड़ाए, गुलटी खाएगा छड़ाए दे, वहाँ हैं इसने बोला स्टार्ट कर दे, तो इसमें डालो यार, शर्मा खाई ना अर्नब, हेलो अर्नब बेचारा, शर्मा का इतना पता नहीं क्यों जो सर मिल गया, अर्नब शूज देख, वाह अर्नब के शूज, वाह अर्नब इधर आओ, अर्नब शर्मा ताई बहुत है, अर्नब जल्दी मुझे नहीं उठला,
हड्डियाँ हड्डियाँ हैं। प्रियागु मैं तो सारा वाटर मेलन खा लूँगी, ठीक है ना? ठीक है, सारा खा लूँ? बता यार। अभी सोता था जब स्कूल जाता है ना। ऑरेंज बना रखे हो टी आइसक्रीम खा के। अभी आइसक्रीम खाई। तो इतनी सुंदर आ रही है। स्टडी टेबल आज ट्यूशन नहीं जाना। और ये हमारी फोटो। आज तो नानी के घर चलोगे तुम, चलोगे ना? हैं हैं, जाना नानी के घर आज? हैं हाँ हाँ या ना बता। प्रयागुरी नानी के घर जाना आज? जाना है नानी तो। अब आया ना होश में। आया होश में थोड़ा? आई रीडिंग फर्स्ट एड तक है। आई एम फर्स्ट एड। जोर से बोल, जोर से। माय सेल्फ, माय सेल्फ, माय नेम इज अर्णव ठाकुर। आई एम 6 इयर्स ओल्ड। आई एम अ बॉय। आई एम अ फर्स्ट एड। आई एम आई रीड। भी अपने मामू की तरह गिटार बजाता है। बजाना यार अच्छे से। मेरी ननद रहती है, उनकी कॉलोनी है यहाँ पे। और वो ये पूरा वो यहाँ रहते हैं इसमें, बाकी कॉलोनियाँ ये इधर। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं नीचे। और यहाँ पे ऑफिस है, मेरी सास यहीं पे आते हैं ड्यूटी के लिए। और ये देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे, ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। और वर्षा का क्वार्टर ये वाला है, को दिखाती हूँ मैं यहाँ से उनका क्वार्टर। उनकी एंट्री ऐसे ऐसे ऐसे, ये वर्षा ने बनाई है क्यारी अपने लिए। दिखाती हूँ क्यारी, ये इसकी क्यारी, इसने अरबी उर्बी लगा के रखी है। और इनका गेट है यहाँ से, अच्छा क्वार्टर है मतलब। और यहाँ से एंट्री ऐसे यहाँ से। और अंदर तो आपको मैंने दिखाया ही था। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, बाहर बहुत ही अच्छी कॉलोनी है। और ये वर्षा घूम रही है अभी, पानी पिला रही है सबको यहाँ पे। हाँ इतनी गर्मी में तो पानी, गर्मी बहुत है भाई। आम की कोई भी मतलब कितने आम हो गई।